हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजलि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इंगेजमेंट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड आल्सो इस मेकअप लुक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड थोड़ी नर्वस भी थी कि फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके का मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, आप लोगों को पसंद आए एंड ऑल्सो आप लोग मेरे मुझे बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा ताकि इस तरीके का मेकअप लुक और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड चलिए देखते हैं कि इस मेकअप लुक को मैंने किस प्रोडक्ट के साथ और कैसे क्या और इस टाइम जैसे कि सिचुएशन आप लोग देख ही रहे होंगे कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में लोग सलून जाना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझेंगे तो वो घर पे ही मेकअप कर लेंगे। तो इस तरीके से घर पे मेकअप, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ब्रांड, मैंने लैक्मे ब्रांड पर्पल और कुछ बहुत ही रिजनेबल सा ब्रांड यूज़ करके ये मेकअप लुक कंप्लीट किया है। लैक्मे ब्रांड काफ़ी अच्छा ब्रांड है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। पर्पल भी इस टाइम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। पर्पल की फ़िलहाल सिर्फ लिपस्टिक है, बाकी सब कुछ लैक्मे का ही है। ऑलमोस्ट आई थिंक जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया लैक्मे ब्रांड का यूज़ किया, तो काफ़ी ईजिली आप लोगों को मिल भी जाएगा। अमेजन पे, पर्पल पे, नायका पे, सभी जगह लैक्मे अवेलेबल है, या आप ऑफलाइन भी जाके मार्केट से ले सकते हैं। और इस टाइम जैसे कि सिचुएशन आप लोग देख ही रहे होंगे कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में लोग सलून जाना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझेंगे तो वो घर पे ही मेकअप कर लेंगे। तो इस तरीके से घर पे मेकअप, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ब्रांड, मैंने लैक्मे ब्रांड पर्पल और कुछ बहुत ही रिजनेबल सा ब्रांड यूज़ करके ये मेकअप लुक कंप्लीट किया है। लैक्मे ब्रांड काफ़ी अच्छा ब्रांड है, आप लोगों को अच्छे से पता। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फेस को हमें अच्छे से प्रेप करना है। प्रेप करने के सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लम्प का ग्रीन टी फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसका कैप इधर है और इसको अच्छे से सोक करने देंगे अपने फेस में। पर्पल का स्किन रिपेयर सीरम विथ विटामिन ई एंड विटामिन सी ये यूज़ कर रही हूँ। विटामिन ई हमारे फेस को इंस्टेंट ग्लो करता है, काफ़ी अच्छा है। तो जिनकी ड्राई स्किन है वो काफ़ी अच्छे से इसकी क्वांटिटी लगाएं, और जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा कम क्वांटिटी लगाएं। मैंने सिर्फ सीरम लगाया, आपको थोड़ा बहुत मेरे फेस पर अंतर दिख रहा होगा। एंड नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फेस फील मॉइस्चराइजर। इसमें भी विटामिन ई एंड ऑल्सो ग्लिसरीन है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट मॉइस्चराइजर और मुझे बहुत पसंद भी है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं एंड ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगाते हैं उसके उस प्रोडक्ट को अपने नेक पे भी अप्लाई करते चले, ताकि हमारा जो भी हम लाइक हम अपने फेस को मॉइस्चराइजर करेंगे तो नेक को भी मॉइस्चराइजर करना इंपॉर्टेंट है। मैंने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। ये लैक्मे का प्राइमर मेरा बहुत ही बहुत ज़्यादा फेवरेट प्राइमर है, मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो इस प्राइमर में हल्का सा पिंक सा आपको टिंट मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ये एज अ कलर करेक्टर भी काम कर जाता है। प्राइमर को कभी भी ड्रैग नहीं करना होता, प्राइमर को प्रेस करना होता है उसी जगह पे। प्राइमर को प्रेस करना होता है, अंदर की ओर दबाना होता है। पहले आज हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे और ऑल्सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मेकअप को लेकर। आई मेकअप के लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही है, स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट है। इससे मैं अपना कंसीलर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ये ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी अपने आईज पे, क्योंकि जो भी डार्क सर्कल्स है उसे ये करेक्ट कर देगा। अब इसमें जो सबसे लाइट सा शेड है ये शेड लूँगी, एज अ कंसीलर मैं यूज़ करूँगी। ये जो पैलेट है ना, काफ़ी अफोर्डेबल पैलेट है और इसमें एक पैलेट में कई सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड स्विस ब्यूटी एक अच्छी ब्रांड भी है।
सो नाउ कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँ लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन, ये मैं ये ले रही हूँ और इससे काफ़ी अच्छा कवरेज भी मिल जाता है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का आई शेडो पैलेट, ये इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट, और इसमें कुछ इस तरीके के शेड दी। काफ़ी अच्छा पैलेट है, काफ़ी प्यारा पैलेट है। तो सबसे पहले ये ब्राउन सा शेड मैं लूँगी और अपने फॉर ट्रांजिशन के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्राउन सा शेड। सबसे पहले एकदम लाइट शेड लेते हैं, फिर उसे डार्क शेड लेते हैं, इस तरीके से करके शेड लेते हैं, यानी सबसे लाइट, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, इस तरीके से। अब ये रेड कलर में लूंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। सो थोड़े थोड़े प्रोडक्ट लेने हैं, डस्ट ऑफ करना है, देन अप्लाई करना है, और जहाँ पे हमने ट्रांजिशन ड्रॉ किया था जस्ट उसके नीचे अप्लाई करेंगे। इनर वी से सर्कुलर मोशन में आउटर वी लेकर जाना है, एंड देन आउटर वी से सर्कुलर मोशन में इनर वी लेकर आना। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्राउन शेड आउटर वी पे। प्रेस करना है, देन सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर देना है। मैं कट क्रीज तो नहीं ड्रॉ कर रही, मैं हल्का सा कट क्रीज जैसा कर रही हूँ। तो जो सबसे लाइटर शेड है इसको लूँगी और इनर कॉर्नर पे प्रेस कर दूँगी। अब ये गोल्डन वाला जो शेड है, बिल्कुल सा गोल्डन शेड है एकदम, इसको इसके ऊपर प्रेस करूँ। ना स्मॉल सा ये फ्लफी ब्रश है, इससे मैं बिल्कुल ये ब्राउन सा शिमर शेड लूंगी एंड आउटर वी पे प्रेस करूंगी। एंड नाउ इस तरीका का एंगुलर ब्रश मैं ले रही हूँ, एंड ये जो रेड रेड सा शेड था ना, इसको पिक करूंगी, और ये जो मेरा लाइन गया है ना, क्रीज का लाइन गया है ना, बस इसके ऊपर मुझे चलाना है। सो नाउ हम आई मेकअप लाइनर यूज़ करेंगे। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लाइनर, लैक्मे आइकॉनिक आई लाइनर। ऑलमोस्ट आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, मस्कारा करना है और लैशेस लगाना है, वो हम थोड़ा रुक के करेंगे। आईब्रो मैंने सेट नहीं किया, सो आईब्रो सेट करूँगी। आईब्रो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, जिधर बैक साइड ये इस तरीके का स्पूली दिया गया था, काफ़ी अच्छा स्पूली है।
इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिया रहता है। तो यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। शेक करना है इन द शेड W180 वार्म नेचुरल। ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करूंगी। अभी मेरा काजल लगाना भी बाकी है, तो ये सब मैं ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन करने के बाद करूंगी। अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं अपने लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, बहुत ही प्यारा सा कॉम्पैक्ट है ये, और इससे आपको बहुत बढ़िया सा कवरेज मिल जाता है। काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट ले और वहाँ पे प्रेस करें, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड है ये। सी मैं इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड नहीं करूँ क्योंकि इसमें भी अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो पूरा काला हो जाएगा मेकअप, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश ले रही हूँ। अच्छा, ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का ये ब्लश, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है, और साथ में इसका एक छोटा सा ब्रश भी मिल जाता है। अच्छा, इसमें दो शेड दिए गए हैं, मैं भी कैमरा कैप्चर कर रहा हूँ, एक लाइट है एक थोड़ा सा डार्क है, तो मैं क्या करूँगी दोनों को मिक्स कर लूँगी देन अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं ये शैम्पेन सा शेड ले रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम मुझे, तो इसलिए इस मेकअप में भी मैंने इसको ही एज अ हाइलाइटर में यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँ लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। यहाँ पे मैं शुगर कॉस्मेटिक का काजल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा काजल है, बहुत अच्छा काजल ये है। एंड मैं ये ब्राउन सा मैट शेड लूँगी और ये शिमर शेड लूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी और आउटर वी से इनर वी तक जाऊँगी। कॉर्नर पे भी मैं सेम यही हाइलाइटर यूज़ करूँगी और अपने आईब्रोन पे, कहीं भी अगर आप कॉन्टोर कर रहे हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करिएगा, कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं पर्पल की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस मेकअप लुक। मेकअप कंप्लीट हो चुका है, होप सो गाइस आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आए। जैसा मैंने सोचा था टर्न आउट वैसा ही हुआ है, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मेकअप लुक एंड या अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी बहुत सारा हेल्प हो एंड थोड़ी मदद मेरी भी हो जाए।
सो दैट इज टुडेज वीडियो गाइस, होप सो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है। बाय बाय गाइस एंड टेक।